एट सिक्स ज़ीरो टू यूनिट थ्री टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेस्ट एंड टेक्निक्स तो सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट इट डिवेल्प टू मेजर स्किल्स एंड नॉलेज लर्न इन अ गिवन ग्रेड लेवल यूजली थ्रू प्लैंड इंस्ट्रक्शन तो अचीवमेंट का मतलब है कि आपने पाया क्या है आपने सीखा क्या है क्या अचीव किया है यानी क्या हासिल किया है तो इसमें यही है कि आ, ये डिवेल्प किया जाता है ताकि जो है ना मापा जाए कि कितनी स्किल और नॉलेज आपने एक ग्रेड में सीखा है और ये तमाम जो है ना एक प्लेन इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है अचीवमेंट टेस्ट स्कोर्स आर ऑफन यूज इन एन एजुकेशन सिस्टम टू डिटर्मिन व्हाट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर वच विच ए स्टूडेंट इज़ प्रिपेयर्ड तो ये इसलिए देखा जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि देखा जाए कि एक ग्रेड का, का स्टूडेंट जो है ना या किस ग्रेड का स्टूडेंट किस जो है ना लेवल की एजुकेशन के इक्वल होता है किस लेवल की उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है तो अब टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट तो अचीवमेंट टेस्ट की जो है ना मेन टाइप्स जो हैं वो हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट अब फिर आगे जो है ना टीचर मेड टेस्ट को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में जिसमें है रिटर्न औरल प्रैक्टिकल ठीक है रिटर्न हो गया यानी जो क्वेश्चन पेपर होता है फिर औरल जो वाइवा वगैरह होता है और प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करवाया जाता है लेबॉर्ट्री में अब फिर जो है ना आगे रिटर्न की तीन फॉर्म है ऐसे टाइप हो सकता है शॉर्ट आंसर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप ठीक है क्या पूरा ऐसे लिखते हैं एक ही क्वेश्चन ठीक है आ, बीस पच्चीस मार्क का जो आता है फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप दो नंबर के क्वेश्चन और फिर ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस वगैरह अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट अब स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट की जो टाइप्स हैं उसमें आप क्या एप्टीट्यूड टेस्ट कितना है उसका एप्टीट्यूड कितना एबिलिटी कितनी है सीखने की इंटरेस्ट इंटरेस्ट उसका कितना इंटेलिजेंस लेवल क्या है कितने इंटेलिजेंट है स्टूडेंट कितने लेवल है उनका फिर एटीट्यूड टेस्ट बिहेवियर और पर्सनैलिटी टेस्ट की पर्सनैलिटी किस तरह की है अब एडवांटेज ऑफ क्या हैं अचीवमेंट टेस्ट तो एडवांटेज ये हैं कि रिज़ल्ट आर जनरलाइज एंड रेप्लीकेबल तो जनरल जनरल होते हैं और रेप्लीकेट कर सकते हैं आप उन्हें असैस इंडिविजुअल मास्टरी ऑफ फिर डोमेन ऑफ नॉलेज और स्किल तो आ, उसकी आ, देखी जाती है कि उसमें जो है नॉलेज अच्छा है स्टूडेंट में या उसकी जो है वो स्किल्स अच्छी हैं या फिर वो मेंटली बेहतरीन लायक है इस तरह की चीज़ें जो है वो उसमें देखी जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ए लार्ज ग्रुप और एक बड़े ग्रुप से आप जो है ना एक टाँग ये अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हैं अब एटीट्यूड या एबिलिटी टेस्ट क्या होता है एप्टीट्यूड डेज अ पर्सन एबिलिटी टू लर्न अ गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन तो एप्टीट्यूड जो है ना इसमें देखा जाता है एप्टीट्यूड में कि एक पर्सन की एबिलिटी कितनी है उसकी कितनी ताकत है कि वो जो है ना कोई चीज़ें या, को या कोई इंफॉर्मेशन या कोई लेक्चर जो हम दे रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं वो सीख सकता है असेस लॉजिकल रीजनिंग आर थिंकिंग परफॉर्मेंस इसमें यह इसस किया जाता है कि वो लॉजिकल कितना सोचता है उसकी थिंकिंग परफॉर्मेंस क्या है वो चीज़ों को किस लॉजिकल वे में कैसे जो है ना ऑर्गनाइज करता है कैसे सोचता है दे कन्जिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो इस में जो है ना एप्टीट्यूड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं मोस्टली क्योंकि चार जो होते हैं वो उनमें से आपने रिक right करना होता है दे आर स्ट्रिक्टी टाइम्ड और इन पर जो है ना टाइम लागू होता है ठीक है अब टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल बेस्ड टेस्ट होते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका पीछे लॉजिक क्या है फिर फिर वर्बल रीजनिंग ठीक है फिर नंबरी का रीजनिंग नंबरों के लिहाज से कुछ नंबर के वो पैटर्न से नंबर आते हैं जी के जिस तरह फोर सिक्स एट आ रहा हो तो आगे क्या आएगा या इस तरह वन टेन उसके बाद क्या आएगा इस तरह फिर नॉन वर्बल रीजनिंग ये क्वेश्चन आते हैं अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है? Mental, के, के होते हैं मेंटल अर्थमेटिक मैथ के स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं रेशोज परसेंटेज वाले परसेंटेज आपने बतानी होती है कि अगर साठ परसेंट का जी बीस परसेंट अगर किसी अदद का बनता है साठ परसेंट तो वो अदद क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन फिर फ्रैक्शंस यानी वो थ्री ओवर फाइव या फाइव ओवर एट इस तरह के जो क्वेश्चन है फिर नंबर सीक्वेंस वही नंबर सीक सीक्वेंस वाले के टू फोर सिक्स एट या वन नाइन एटीन दैन फिर ट्वेंटी uh, सेवन इस तरह एक सीक्वेंस बनता है कि स्पेशल ऑर्डर होता है कि कुछ छोड़ के दो चार जो है ना वो डिजिट फिर नेक्स्ट डिजिट आएगा इस तरह फिर स्पेशल एप्टीट्यूड फिर ग्रामर एंड पंक्चुएशन के कहाँ कामा कहाँ जो है ना वो आपने फुल स्टॉप लगाना है कहाँ कैपिटल स्मॉल लेटर इस तरह फिर ग्रामर में जो है ना बार फिर नॉन कहाँ यूज़ होगा कौन सी वर्ब यूज़ होगी प्रो नॉन कौन सा है एडजेक्टिव फिर जनरल वर्बल एप्टीट्यूड जनरल जो चीज़ें आती हैं फिर एब्सट्रैक्ट एंड डायाग्रामेटिक रीजनिंग के एब्सट्रैक्ट और कुछ डायग्राम्स दिए जाते हैं कि इनको रिलेट करें या ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं अब वैल्यू एंड यूज ऑफ एप्टीट्यूट है तो एक्सलेंट प्रिडक्टर्स प्रीडिक्टर्स प्रेड़्टर्� तो इसके थ्रू आप प्रिडिक्स कर सकते हो कि स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी है वो क्या कर सकते हैं प्रोवाइड वेज़ ऑफ कंपेयरिंग ए चाइल्ड परफॉर्मेंस तो ये जो है ना एक रास्ता मुहैया करता है एक तरीका मुहैया करता है कि आप जो है ना मुख्तफ़ चिल्ड्रेंस की चाइल्ड्स की जो, गे गे जो है ना वो कंपेयर करें परफॉर्मेंस प्रोवाइड ए प्रोफाइल ऑफ़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो ये एक प्रोफाइल प्रोवाइड करता है कि कौन सा बच्चा जो है ना वो स्ट्रग है स्ट्रेंथ उसकी क्या और वीकनेस क्या है असेस डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल और असेस करता है कि डिफरेंसेस क्या है कौन से स्टूडेंट जो है वो ग्रेड के लिहाज से उन्हें ग्रेडिंग की जाती है फिर अनकवर्ड हिडन टैलेंट तो अनकवर्ड जो हिडन टैलेंट्स हैं जो बच्चे यानी वो हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हों इतने जो है ना वो बोलते ना हों इतने शाही हों वो लेकिन आप इस टेस्ट के थ्रू जज कर सकते हैं कि वो किस काबिल हैं और आप फिर उनको सामने ला सकते हैं अब यूज़ का इंस्ट्रक्शन आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है टीचर यूज़ करते हैं ठीक है इंस्ट्रक्शन देते हुए फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं और गाइडेंस गाइड्स के लिए करने के लिए यूज़ होते हैं एटीट्यूड के है आप एटीट्यूड इज़ आ पॉस्चर एक्शन आ डिस्पोजिशन ऑफ ए फिगर और ए स्टेट यानी एक बंदा जो जिस तरीके से अपना बिहेव करता है ना वो उसका एटीट्यूड कहलाता है कि जिस तरीके से वो एक्शन कर रहा है या कोई अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है या कोई स्टेट है उसकी जिसके वो थ्रू जो है ना उसकी लै जाइए उसके जो देख के पता चलता है कि ये इसका एटीट्यूड कैसा है ए कम्प्लेक्स मेंटल स्टेट इन्वाल्विंग बिलीव्स एंड फीलिंग्स एंड वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशन टू एक्ट इन ए सर्टेन वेज तो वो जो है ना मेंटल की वो स्टेट है जिसमें कोई बंदा बिलीव करता है या फील करता है या उसकी वैल्यू और वो जो पोजिशन चेंज करता है डिसपोजिशन करता है एक्ट करता है कुछ तरीक़ों से कुछ स्पेशल तरीक़ों से उसे एटीट्यूड कहते हैं अब इसमें क्या है सबसे छोटे नंबर पर बिलीव करता है जो वो वैल्यूज़ के हिसाब से एटीट्यूड्स फिर बनते हैं बड़े अब एटीट्यूड टेस्ट क्या है नॉट रेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फाइव पॉइंट्स के तो एटीट्यूड को जो है ना वो इस तरह किया जाता है कि ठीक है एक स्टेटमेंट दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इससे कहा जाए जी कि जो है ना अगर पाकिस्तान में आपने खुशहाली लानी है तो आपको फिर जो है ना कुछ उदारों को पाकिस्तान की सियासत से दूर रहना चाहिए जैसे मिल्ट्री होगी इस तरह जर्नल होंगे इस तरह तो फिर वो क्या अपना देगा पॉइंट ऑफ व्यू के जी मैं एग्री करता हूँ मैं या डिस करता हूँ या स्ट्रॉगली एग्री या निधर एग्री या डिस तो ये चीज़ें फिर उसका ये एटीट्यूड होगा अब इंटेलिजेंट टेस्ट क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ ऑफन डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है ना वो किया जाता है ताकि जो है ना उस बंदे की जनरल एबिलिटी जो है ना वो देखी जाए कि वो कितनी उसकी माइंड की कैपेसिटी है कितना वो जो है ना इंटेलिजेंट है कितनी चीज़ों को वो लॉजिकल वे से जो है ना वो प्रेजेंट करता है तो ये मोस्टली से आई भी कहते हैं इंटेलिजेंस को टेस्ट होता है द गोल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ टू टेन एन आइडिया ऑफ द पर्सन इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल कि उसकी पोटेंशियल ताकत कितनी है पावर कितनी है वो मेंटली कितना स्ट्रॉग है तो ये चेक चीज़ चेक कर के लिए इंटेलेक्चुअल इंटलेक्चुल उसे चेक करने के लिए इसका गोल होता है जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं अब इसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है कि वो जबान के लिहाज से कितना अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसमें कितनी है फिर परसेप्शन वो कितना अच्छा करता है लर्निंग कितनी जल्दी कर सकता है और रीजनिंग वो कितनी जल्दी दे सकता है या रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है अब टाइप्स ऑफ जो है ना इंटेलिजेंस टेस्ट के तो इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरह के एक होता है इंडिविजुअल बेस्ड और एक होता है ग्रुप टेस्ट अब इंडिविजुअल में क्या होते हैं वर्बल टेस्ट होते हैं कि वर्बल वो लैंग्वेज के लिहाज से कितना अच्छा है फिर परफॉर्मेंस टेस्ट कि वो परफॉर्म कैसा करता है यानी वो बॉडीली या इस तरह म्यूजिकली इस तरह चीज़ें देखी जाती है फिर ग्रुप में भी इसी तरह की दो ही पोर्शन है कि एक वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट है फिर ये ग्रुप में इकट्ठे होते हैं इंडिविजुअल में एक अलग समझ लें सिंगल सिंगल फर्दन फर्दन होता है जबकि ग्रुप में एक कलेक्टिवली होता है अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है तो एडवांटेजेस ये हैं कि मेजर ए वाइड वराइटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर तो आप बहुत से ह्यूमन बिहेवियर को जो है ना वो मेजर कर सकते हैं कि लोगों के बिहेवियर कैसे हैं पॉजिटिव बिहेवियर है नेगेटिव बिहेवियर या एक चीज़ पे ज़्यादा लोग पॉजिटिव बिहेवियर देते हैं या नेगेटिव देते हैं ये यूनिफॉर्म वे ऑफ कंपेयरिंग ए पर्सन परफॉर्मेंस तो एक मसलसल जो है ना यूनिफॉर्म तरीका है कि जो है ना जिसके जरिए आप लोगों को कंपेयर कर सकते हैं उनके बिहेवियर के लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से उनको ग्रेड कर सकते हैं एक्सलेंट प्रिडक्टर्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट तो ये प्रिडिक्ट करता है कि आपकी एकेडमिक अचीवमेंट कितनी हुई है और कितनी हो सकती है मैनी इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोड्यूस है सिंगल इंटेलिजेंस स्कोर तो बहुत इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जिनमें एक सिंगल स्कोर जो है ना वो आपको मिलता है ओनली मेजर सिंपल सैम्पल ऑफ़ बिहेवियर और सिचुएशन इन विच इंटेलिजेंट बिहेवियर इज रिवील्ड तो जिस बिहेवियर में आप जज करना चाहते हैं आपको फिर वो सचुएशन पहले क्रिएट करेंगे फिर उसी बिहेवियर के लिहाज से जो है ना वो आप टेस्ट करेंगे अब फिर है पर्सनैलिटी टेस्ट अब पर्सनैलिटी क्या होता है पर्सनैलिटी जो है ना पर्सोनो लव से निकला है लेटन का जिसका मतलब होता है मास्क की वो जिसके जरिए हम जो है ना जाहिर किसी आदमी का बिहेव देख के उसको जो है ना एवालवेट करते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी है पर्सनैलिटी कैसी है पर्सनैलिटी टेस्ट असेसमेंट डिवाइस यूज टू तो इवालुट और मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एज फैक्टर एंड स्पेसिफिक ट्रेड्स तो वो उस बंदे की पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि जो है ना उसमें कौन से ट्रेड्स हैं कौन से फैक्टर हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को इस तरह बनाते हैं अब ये दो तरह के हैं इन्वेंट्रीज और प्रोजेक्टिव टेस्ट इन्वेंट्रीज में क्या होता है ए पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इज़ ए सेल्फ रिपोर्ट पेपर एंड पेंसिल और ऑनलाइन टेस्ट विच हैज़ ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू असेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी तो ये पर्सनैलिटी के लिहाज से क्वेश्चन देखे जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ क्वेश्चन डाल दें तो आप देखते हैं कि वो वो बंदा जो है वो नेगेटिवली उनका आंसर करता है या पॉजिटिवली तो उससे उसकी पर्सनैलिटी निकल के आती है फिर जो है ना कंसिडर्ड टू बी ऑब्जेक्टिव नॉट इंटरप्रटेशन ऑफ रिजल्ट रेदर रिस्पॉन्स आर कंपेर्ड विद अदर हु हैव पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेड्स तो फिर उनको जो है ना किसी ख़ास पर्सनैलिटी से कंपेयर भी किया जाता है कि ठीक है वो पर्सनैलिटी के हिसाब से इसके कैसे आंसर हैं तो वो कहाँ लाइक करता है फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है टू अनकवर एन इंडिविजुअल अनकॉन्शियस विशेज डिज़ार फीयस थाट्स नीड्स एंड अदर हीडन अस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी बाई आस्किंग देम टू डिस्क्राइब वाट दे सी आर टू मेक अप ए स्टोरी फ्राम मैन एम्बिगेस सिचुएशन तो उन्हें कोई सिचुएशन दी जाती है जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें उनको जो है ना कोई देखा जाता है कि उनकी अपनी ख्वाहात या, या अपने डर या अपने थाट्स पर कैसे जो है ना उन चीज़ों को ब्रीफ करते हैं द एजम्पन इज़ दैट विल ड्रॉ अप ऑन देयर ऑन पर्सनैलिटी तो वो फिर उनकी पर्सनैलिटी उससे निकल के आती है तो ये सारे जो भी टेस्ट हैं ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि उस बंदे का जो है ना वो देखा जाए कि वो रिस्पॉन्स कैसा करता है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है कि वो नेगेटिवली करता है पॉजिटिवली करता है वो इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है तो ये चीज़ें देखी जाती हैं अब नॉम रेफर्ड टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफर टेस्ट तो नॉम रेफर टेस्ट जो है ना जिनको एन आर टी कहते हैं इनको डिफाइंड डर सकता है परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर्स हु टूक द टेस्ट आर विद सम अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट तो इसमें लोगों को आपस में स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है कि या उन स्टूडेंट्स के साथ जिनने पहले टेस्ट जो दे चुके हैं या फिर किसी और ग्रुप के स्टूडेंट के साथ जो जिनने पहले ये टेस्ट लिया है तो रिलेटिव ग्रेडिंग तो ये इसमें ग्रेडिंग के दरम्यान का रिलेशन होता है कि उससे कम है या उससे ज़्यादा है असेशन द रैंक ऑफ स्टूडेंट्स तो इसमें स्टूडेंट्स को रैंक असर्ट किया जाता है जी के फॉर एग्जाम्पल जो है ना किसी के हंड्रेड परसेंट मार्क हैं कोई जो है ना टॉप पे है कोई जो है ना वो बॉटम में है एग्जाम्पल क्या है सेट टेस्ट ठीक है जी आर ई का फिर यानी वर्ल्ड का फिर आई क्यू टेस्ट इंटेलिजेंस क्वेश्चन फिर बैचलर जो इंटेलिजेंस स्केल है उस पर देखा जाता है कि वो उसका कितना जो है वो आया है नंबर अब क्राइटेरिया रेफर टेस्ट जो है ना उसमें क्राइटेरिया चेक किया जाता है परफॉर्मेंस विद प्री डिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पहले बनाया जाता है फिर उस पर देखा किया जाता है कि वो किस क्राइटेरिया में लाई करता है अब सल्यूट ग्रेडिंग है बिल्कुल ग्रेडिंग पे करता है ये स्टूडेंट स्कोर इज़ नॉट इन्फ्लूस्ड बाय अदर स्कोर तो इसमें दूसरे का कोई इम्पेक्ट नहीं होता इसमें एक बंदे का अपना ही देखा जाता है कि उस वो कहाँ तक जा सकता है तो इसमें क्या है नैप है ए, ए टेस्ट है स्मार्टर बैलेंस असैसमेंट टेस्ट है अब टेक्निक क्या है टेस्ट लेने के सबसे पहले क्वेश्चनर की कुछ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उन क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को जो है इंटरव्यू बेस्ड भी होते हैं ये क्वेश्चनर के आप जाके वो क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं आप जाके उससे पूछते हो कि ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन सेम होते हैं सब के लिए फिर ऑब्जर्वेशन आप ऑब्ज़र्व करते हो फिर इंटरव्यू आप लेते हो कि जाके आप स्पेसिफिकली इंटरव्यू लेते हो उससे उससे इंफॉर्मेशन लेते हो फिर जो है रेटिंग स्केल या रेटिंग स्केल के मदद से करते हो अब क्वेश्चन क्या होता है क्वेश्चन एयर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड अदर प्रॉम्प्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्राम रिस्पोंडेंट्स तो इसमें जो है क्वेश्चन होते हैं यह समझना एक प्रिंटिंग पेपर होता है उस पेपर पे क्वेश्चन बने होते हैं कुछ सिचुएशन बने होते हैं जैसे कि जो है ना कि आपको पूछने पूछना जी कि अगर आपका नाम क्या है फिर उसकी एज फिर उसका जो है ना फ़ोन नंबर फिर उसका इलाक़ा फिर जो है ना उस जगह का नाम फिर आप उसको पूछें कि यहाँ जो है ना अगर आपको एक गाड़ी फ़ॉर एक्जाम्पल एक्सीडेंट हो जाती तो आप सबसे पहले क्या करेंगे तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर कैसे मदद करेंगे इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नेट पे इट कंटेन लिस्ट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन दैट कैन बी कम्पलीटेड इन वन टू वन ऑफ टू बेसिक वेज तो इस पर बिल्कुल जो है ना क्वेश्चन लिखे होते हैं और वो कम्प्लीटेड जो है ना दो तरह से होते हैं आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चन में क्या होते हैं ओपन फार्मेट क्वेश्चन होते हैं ठीक है फिर क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन होते हैं लीडिंग क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं फिर लाइकट like क्वेश्चन होते हैं बाईपोलर और रेटिंग स्केल क्वेश्चन होते हैं अब दूसरा क्या है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या है द विजुअल स्टडी अच्छा ये जो है ओपन फॉर्मेट तो ओपन में फॉर्मेट में बिल्कुल ओपनली क्वेश्चन होते हैं जो इसमें वो अपनी मर्जी से जो है ना वो जवाब दे सकता है बंदा उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा जवाब देता है क्लोज फॉर्मेट में यस या नो वाले फिर लीडिंग क्वेश्चन जो लीड करते हैं जिसमें उसकी लीडिंग जो है ना कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं कि जो है फिर इम्पॉटेंस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के लिहाज से कि किस चीज़ को वो इम्पॉटेंस देगा कौन सी चीज़ जो है ना ज़्यादा अहमियत के हामला है उनके फिर लाइकड like क्वेश्चन के लाइक like और जो है ना अनलाइक के बेस क्वेश्चन है बाईपोलर क्वेश्चन है जो दोनों जो है ना वो लिहाज से आते हैं फिर रेटिंग स्केल जो रेट करता है कि ठीक है जी के अगर ये चीज़ है तो ये इसमें इसको आप किस रेट से जो है ना वो रेट करेंगे चीज़ों को अब ऑब्जर्वेशन द विजुअल स्टडी ऑफ़ समथिंग आर समन इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन आर लर्न अबाउट बिहेवियर ट्रेंड्स आर चेंजेस तो किस चीज़ के बिहेवियर या उसमें चेंजेस के स्टडी करने की देख के यानी विजुल स्टडी तो उसको ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं अब आ, पर्पस क्या ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस तो इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की जो है ना डिस्क्रिप्शन देखी जाए डिस्क्राइब किया जाए इनको इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्वायरीज इंक्वाइरीज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स तो डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं उनमें जो है ना वो इंस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि उनमें क्या कर रहे हैं वो कैसे स्टूडेंट हैं फिर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम तो इससे फिर फीडबैक ली जाती है मेन चीज़ होती है कि फिर आपने टीचिंग अपनी इम्प्रूव करनी होती है और कोशिश करनी होती है कि कैसा बेस्ट तरीका कौन सा होगा स्टूडेंट के, के, के तक कोई इंफॉर्मेशन पहुँचाने का नॉलेज फैलाने का अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है तो एडवांटेजेस हैं डाटा गैदर कैन बी हाईली रिलायबल तो रिलायबल है ऑब्जर्वेशन में कि बहुत वो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने खुद रिलाई किया होता है लेस एक्सपेंसिव खर्चा भी नहीं आता वेरी लो कॉस्ट है ठीक है आप खुद कर सकते हो फिर जो है ना कोई आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदने की जरूरत भी नहीं है इट हेल्प्स टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन तो मुनासिब फैसला करने में भी ये हेल्प करता है ठीक है पीपल फील अनकम्फर्टेबल बींग वॉश तो डिसएडवांटेज का ये है कि लोग जो है ना आप, आप एक स्टूडेंट को भी देखोगे तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता है लिखते हुए आप किसी पेपर में खड़े अगर किसी के पास जाके हो जाए तो वो स्टूडेंट लाइव से लाइव स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाता है और वो पसंद भी नहीं करता कि उसके कोई टीचर उसका पढ़े जो है ना उसके सामने फिर द टास्क बींग ऑब्जर्व इज सब्जेक्टेड टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंटरप्शन तो उसमें फिर इंटरप्ट हो सकता है कि कभी आपने इधर जाना है एक पे आप तवज्जो तो नहीं रख सकते सम टास्क मे बी मे नॉट बी इन द मैनर इन विच दे आर ऑब्जर्व तो कुछ टास्क ऐसे भी नहीं होते उनको इतनी से आसानी से आप जो है ना पढ़ के या देख के ही मैनेज या कर सकें अब इंटरव्यू क्या होता है इंटरव्यू कन, कन्वर्जेशन होती है जिसमें एक पर्सन जो है ना वो इंटरव्यू होता है और दूसरा जो है वो उसका Uh, दूसरा इंटरव्यू देता है ठीक है एक इंटरव्यू होता है और एक जो इंटरव्यू जिसको किया जाता है तो इसमें क्या होता है लिस्ट लिस्ट फ्रॉम फ्राम अदर पर्सन तो दूसरे पर्सन से वो जो है ना एक इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन हासिल करता है जैसे वो क्वेश्चन एक बंदा क्वेश्चन करता है दूसरा उसके आंसर करता है इट इज़ कैरिड आउट टू कलेक्ट डाटा ये डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है बहुत एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली एंड एक्सचेंजिंग द डाटा और वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं फिर एक एन इंटरव्यू गिव्स यू इन साइट ऑन वट द पसन यू आर इंटरव्यूंग थिंक आर अल टू बी थिंक क्योंकि ये ऑन द स्पॉट होता है तो आप जो है ना वो हर बंदे को आंसर तो बंदे को करना ही पड़ता है तो वो फिर आप उससे जल्दी वो निकल आता है कि जो है ना वो किस तरह की आंसरिंग करता है किस तरह का रिस्पॉन्स देता है आप इंटरव्यू की टाइप्स के हैं तो इंटरव्यू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन पर्पस जिसका कोई पर्पस हो पहले से आपने पर्पस रखा हुआ हो कि आपने कोई रिसर्च करनी है या कोई क्लिनिकल इंटरव्यू करना है यानी कोई आपने जनरल रिसर्च करनी है तो फॉर एग्जांपल के इस इलाके के लोग किस तरह के हैं स्टूडेंट किस तरह के हैं लाइक एंड लाइक हैं तो या फिर आपने क्लिनिकल इंटरव्यू करना क्लिनिक के हिसाब से कि जो जहाँ झीका जी बीमारियाँ कहती हैं लोग मैंटली ठीक हैं सारे इंटेलिजेंट हैं फिर इंटरव्यू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर तो कुछ इंटरव्यू जो स्ट्रक्चर के बेस होते हैं स्ट्रक्चरड उनमें होता है प्रॉपर जो है ना वो स्ट्रक्चर के लिहाज से होते हैं जी क्या ठीक है इस चीज़ पे हमने करना है इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे और कुछ ऑन स्ट्रक्चर होते हैं उनका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सेट नहीं होता आपके माइंड में आप सीधे जाके इंटरव्यू कर लेते हो ऐसे फिर बेस्ड ऑन डिज़ाइन के डिज़ाइन पर होते हैं इंडिविजुअल इंटरव्यू के एक एक बंदे का फर्दर फर्दर इंटरव्यू किया जाए या फोकस ग्रुप इंटरव्यू या फिर इकट्ठे आप बिठा के या क्लास पूरी में जा इंटरव्यू कर लें रेटिंग स्केल और रेटिंग स्केल इज़ टूल यूज फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क स्किल लेवल्स प्रोसीजर्स प्रोसेस क्वालिटीज़ क्वान्टिट्टीज़ और एंड प्रोडक्ट्स तो रेटिंग स्केल जो होता है ना वो टूल होता है जिसपे आप किसी की परफॉर्मेंस को जो है ना वो असेस करते हो कि उसमें क्वालिटीज़ क्या है उसमें क्वान्टीज कितनी है कितनी अच्छी क्वान्टिट्टी या फिर एंड प्रोडक्ट उसका क्या है ठीक है क्वान्टिट्टी उसकी कितनी है नंबर कितने है और क्वालिटी उसकी कैसी है रेटिंग स्केल यूज टू डिटर्मन द डिग्री टू विच द चाइल्ड एग्जिप्ट बिहेवियर आर द क्वालिटी ऑफ़ दैट बिहेवियर तो जिस जो बिहेवियर स्टूडेंट शे शो करते हैं उस हिसाब से उनको रेट स्केल किए रेटिंग स्केल पर रेट किया जाता है जैसे वो एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं किसी सिचुएशन से किसी जो है ना वो अब टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल के हैं तो टू टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल के एक नंबरिकल है और दूसरा ग्राफिक का रेटिंग स्केल है नम्बरील में क्या होता है सीधे नंबर जो है ना वो दिए जाते हैं जी के ये सेवन नंबर पर लाइज करता है ठीक है जी ये फाइव पे लाई करता है ये उसमें नंबरिकल वैल्यूज़ होती हैं जबकि ग्राफिकल में क्या होता है आपने सिर्फ ग्राफ बनाना होता है फिर उनको जो है ना पीक या इस तरह जो है ना एक बार लाइन बना के ग्राफ लाइन वाला तो आपने बताना होता है कि कहाँ पर जो है ना वो लाइन डॉन फाल कर रही थी कहाँ पर जो है ना वो पीक भी चली गई फिर जो है ना वो ग्रेजुअली हो गई